कि दानिश से अपनी जॉब की बात की तूने? हाँ माँ, बात तो की है मैंने उससे जॉब की, लेकिन पता है क्या बोलता है? बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी ऑफिस में या मेरे भी ऑफिस में जॉब करने की जरूरत ही क्या है। ये भी सही है, क्यों जॉब के पीछे ख्वार होना, घर में बैठ के खाओ आराम से, है ना, मजे से। लेकिन अम्मा, उसके ऑफिस में जॉब करने की ना एक रीजन थी। मैं चाह रही थी कि मैं उसके ऑफिस में जॉब करूंगी तो उसके आसपास रहूंगी ना, तो उसको याद रहेगा कि शादी करनी है जल्दी, भूलेगा नहीं वो। सही बात है ना, शादी क्यों नहीं करता वो तुझसे? घुमाता रहता है, कभी खाने खिला रहा है, कभी होटलों में लेकर जा रहा है, तो बोलो शादी करे। अभी तो बोल रहा है कि उसका कोई नया ऑफिस तैयार हो रहा है, जैसे ही वो तैयार होगा तो फिर लेकर आएगा अपने पेरेंट्स को, बस आजकल उसी में बिजी है। ठीक है, ये ठीक है, जितना उसके पास पैसा होगा ना, तेरा ही फायदा है। ये भी है, खैर आज तो कितनी शॉपिंग करवाई है। हाँ अच्छे खासे पैसे लगवाए मैंने उसके आज। मेरे लिए कुछ लाइए अम्मा, ले आऊंगी तेरे लिए भी। अभी ना उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने साथ साथ अपनी माँ को भी भर रही हूँ। वाह जी, आजकल की औलाद कैसी है, हाँ माँ को तो भूल ही जाती है। कराई शॉपिंग अपनी, मेरे लिए कुछ ना लाई। अम्मा बस कर दे, नाशुकरी की ना एक हद होती है। इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ तेरे लिए, खुश ना हुई तू?